देश के विधानसभा चुनाव अब सिर पर है और आपको बता दें कि अलग अलग टिप्पणियों की दौर भी अब शुरू हो चुके हैं। आपको बताने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दो लोगों के खिलाफ मुकदमा आपको बता दें कि BSP की तरफ से दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की आपको बता दें कि आवाज बंद करके डबिंग के तौर पर आपको बता दें कि अश्लील वीडियो आपत्तिजनक आपको बता दें कि भाषा में उन्होंने प्रयोग करते हुए वीडियो बनाया था। पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अमरोहा जिला अध्यक्ष ओमपाल सिंह एक एडवोकेट के नेतृत्व में आपको बता दें कि BSP के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को क्षेत्र की सोशल मीडिया में दो युवकों ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व CM BSP अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी के दिए गए भाषणों के असली वीडियो की आवाज को म्यूट करके अलग भाषा में अभद्र इस्तेमाल करते हुए आवाज को डब किया था, जिससे लोगों में रोष फैल गया। जिला अध्यक्ष के साथ सोमवार को मुख्य सेक्टर प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह और अन्य आपको बता दें कि लोग पहुंचे। कोतवाली निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में सिकरौली मिलिक निवासी गुड्डू सिंह और गांव रुखालू निवासी करणपाल के आपको बता दें